खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। डॉक्टरों को जहां धरती के भगवान की संज्ञा प्रदान की जाती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पेशे को अपना धनार्जन का साधन बनाकर लोगों की जान का खिलवाड़ करने तक से बाज नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरी पेशे को कलंकित करने का एक ऐसा ही मामला नगर के एक निजी अस्पताल में सामने आया है, जहां पर अस्पताल की लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई है। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। प्रसूता की मौत के मामले की जब छानबीन शुरू हुई, तो कोतवाली शहर के निकट से संचालित बाबा नीम करोड़ी हॉस्पिटल बिना चिकित्सक के संचालित होता हुआ पाया गया। जांच में बिना डॉक्टर के चल रहा अस्पताल किसी डॉक्टर इंदु यादव का बताया जा रहा है, जिसे उनके द्वारा अप्रशिक्षित लोगों के माध्यम से संचालित कराया जा रहा था, जिस पर अब स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई करते हुए उक्त अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या है? हमारी भतीजी जो है यहाँ पे एडमिट 12 तारीख को एडमिट हुई थी, सारा कुछ नॉर्मल था और डिलीवरी के बाद 14 तारीख को एकदम से उसके पेन सर्जिकल हुआ था, 14 को उसको पेन हुआ और इनके पास ऑक्सीजन ना होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। शासन यहाँ का जो पूरा स्टाफ है, न डॉक्टर है न अस्पताल में कोई है, और ये ऐसी घटनाएं यहाँ कहीं पहले भी हो चुकी हैं। आप मृतका के कौन हैं? मैं उसका चाचा हूँ। क्या नाम है आपका? पवन दीक्षित। यूपी के हरदोई से कैमरामैन नवल किशोर के साथ अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।